हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम आपके लिए चॉकलेट केक लेकर आए हैं। लॉकडाउन के टाइम पर आप अपने बच्चों के लिए अपनी एनिवर्सरी पर एक टेस्टी अच्छा चॉकलेट केक बना सकते हैं। इस केक को बनाने के लिए मैंने चाय के कप का यूज़ किया हुआ है मेज़रमेंट्स के लिए। आपका मेरे चैनल चेरिश ऑन ड्रीम पर स्वागत है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाएं। यहाँ पर मैंने एक कप मैदा लिया हुआ है, देख सकते हैं चाय का कप है, एक कप मैदा ली हुई है। इसमें मैंने 1/4 कप कोको पाउडर डाला है, आधा चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला हुआ है। अब इसको हम अच्छे से छान लेंगे। यहाँ पर एक टिप है, अगर आप इस मिक्सचर को 2 से 3 बार छानते हैं तो आपका केक और अच्छा स्पंजी बनेगा। अब यहाँ पर मैंने एक कप चीनी ली हुई है और इस चीनी को मिक्स करने के लिए हम यहाँ पर एक कप मट्ठा लेंगे, छाछ बटर मिल्क। इस एक कप को मट्ठे और चीनी को हम आपस में अच्छे से घोल देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से घोल दिया है। अब हम यहाँ पे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इसके बाद जो हमने मैदा छान के रखी थी उसको हम इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम यहाँ पर 1/4 कप रिफाइन ऑयल लेंगे। हमें कोई सरसों का तिल का तेल नहीं लेना है, हमें यहाँ पे टेस्टलेस ऑयल लेना है, तो वेस्ट है हम यहाँ पे रिफाइन का यूज़ करें। आप चाहें तो घी या बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच वनीला एसेंस डाला है और 1 चुटकी नमक डाला है मैंने, जो कि सारे टेस्ट को बैलेंस करता है। इस केक को आप कुकर में भी पका सकते हैं, माइक्रोवेव में भी पका सकते हैं और ओवन में भी पका सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक टिन लिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा सरसों, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं इसको अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। बहुत अच्छे से मैंने इसके चारों तरफ इस बर्तन में अच्छे से रिफाइन को अच्छे से लगा लिया है, जिससे कि हमारा केक चिपके नहीं। इसमें मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच मैदा डाल के हम इसको पूरे बर्तन में अच्छे से फैला देंगे। इसका रीज़न भी यही होता है कि हमारा केक नीचे बिल्कुल चिपकेगा नहीं, आसानी से निकल आएगा। देखिए जो भी एक्स्ट्रा मैदा है इसको हम निकाल देंगे। देखिए आप देख सकते हैं पूरा बर्तन को अच्छे से हमने ग्रीस कर लिया है। अब इस केक के मिक्सचर को हम इस टिन में डाल देंगे और इधर हम अपने माइक्रोवेव को 190 डिग्री पर प्री हीट कर लेंगे। आप अगर कुकर में चाहें तो आप कुकर में भी नीचे नमक डालकर ढक्कन को बंद करके उसको प्री हीट करें। हमें उसमें सीटी या कुकर की रबड़ नहीं लगानी है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको माइक्रोवेव में 15 मिनट के लिए रखा है। देखिए हमारा परफेक्ट माइक्रो केक बेक हो चुका है। मैंने इसको सीक से चेक किया है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। यहाँ पे इस अब ये केक को हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे। बिल्कुल ठंडा हो चुका है केक। अब इस प्लेट के ऊपर हम अपने केक को निकाल लेंगे। देखिए ईज़िली हमारा केक निकल आया है और ये बहुत ही स्पंजी, बहुत ही अच्छा और टेस्टी केक बना है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे बिल्कुल ही आपको घरेलू चीज़ें बताएंगे जो हमारे घर में ईज़िली से अवेलेबल हों। हमें केक को किस तरीके से कट करना है, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, एक टूथपिक को पूरी केक के बीचों बीच में लगा दिया है। केक के पूरे बीचों बीच में मैंने किस टूथपिक को लगा दिया है। अब यहाँ पे जो हम घर में सिलाई के लिए जो धागा यूज़ होता है, इस धागे से हम टूथपिक के पास ये धागा रखेंगे और इसको क्रॉस करके इस धागे को खींचते हुए चले जाएंगे। देखिए परफेक्ट तरीके से हमारा केक आधा आधा हो जाएगा, बीच से कट जाएगा। ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसको 2 भाग में डिवाइड करें, आप चाहें तो इसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ये पूरी आपकी चॉइस है कि आपको केक को किस तरीके से करना है। तो देखिए हमारा केक बीच से हमने इसको आधा कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये मुझे माइक्रोवेव के साथ स्टैंड मिला हुआ था, मैं इस स्टैंड पे अपने केक को रखूँगी। मैंने कैसे डेकोरेट करूँगी अपने केक को,
यहाँ पर मैंने जो हमारी अमूल क्रीम आती है वो ली है आधा कप, 1/4 चम्मच कोको पाउडर और 1/8 कप चीनी, इनको मिक्स करके यहाँ पर ये बैटर तैयार किया है हमारे चॉकलेट केक के लिए, जो कि केक के टेस्ट को और अच्छा कर देगा। तो फ्रेंड देखिए मैंने किस तरीके से यहाँ पे पूरे केक पर इस बैटर को अच्छे से फैला दिया है। आप भी इस तरीके से घर में इस केक को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि केक आपका कैसा बना है, आपको कैसा लगा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने इस क्रीम में ऊपर से जो भी मेरे पास जो भी बैटर बचा था चॉकलेट का उसको मैंने डाल दिया है यहाँ पे। इस तरीके से ये अच्छे से पूरे केक को कवर कर देगा। और यहाँ पे देखिए मैंने चॉकलेट जो होती है उसको थोड़ा सा क्रश किया है, मैंने इसको हाथों से नहीं डाला क्योंकि गर्मी है और हाथों में लेने से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पेपर का यूज़ किया है, पेपर के यूज़ से मैंने यहाँ पे चॉकलेट केक पे डाला है। देखिए हमारा सुंदर टेस्टी स्पंजी केक तैयार है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ देखने के लिए। हमारा केक रेडी है, प्लीज़ आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें। थैंक यू।